आज भारत बंद है और इसी दौरान बिहार भी बंद है। बता दें कि आरजेडी और भाकपा माले के कार्यकर्ता के द्वारा दरभंगा शहर के म्यूजियम गुमती के समीप जाम किया गया और जमकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। जहां भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा जाम कर दिया गया, वहीं पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और इत्यादि जो जरूरतें वाहन है उसे जाने दिया गया, बाकी को रोक करके रखा और जमकर नारेबाजी किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि दरभंगा के म्यूजियम गुमती के समीप यह जाम लगाया गया है, जहां इन लोगों की मांग है कि जो कृषि कानून है वह वापस ले और बिहार में जो महागठबंधन के कार्यकर्ता और विधायक पर लाठी चार्ज हुआ, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफ़ी मांगे। वहीं बढ़ते महंगाई को लेकर के पेट्रोल डीजल मजदूर के विरुद्ध जो श्रम कानून लाया गया है, जो 8 घंटे के बदला 12 घंटे काम करने की बात कही गई है, इन मांगों को लेकर के जो है यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इन विभिन्न मांगों को लेकर के आज भाकपा माले द्वारा भारत बंद का आह्वान है, महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का आह्वान है, अलग अलग मांगों को लेकर के। क्या कारण है कि आज फिर से भाकपा माले रास्ते पे है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने गरीब आम जनता, मजदूर और किसान की बातों को लेकर के जो आज भारत बंद है, ये जो अराजकता जो है बिहार में, इस कारण जो आज बिहार बंद है, आपने मेरा सुधी लेने का काम किया, इसके लिए मैं तमाम पत्रकार बंधु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथियों, 1947 में जो हमारे पूर्वजों ने लड़कर के आज़ादी ली, वो एक कल्पना किए होंगे तो मेरे आने वाला पीढ़ी एक स्वतंत्र देश में सांस लेगा। और आज हम बहुत दुख के साथ कहना चाहते हैं, जो आज हम गुलामी की ओर मेरा कदम बढ़ रहा है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो बिहार सरकार हो, आज तो मजदूर के लिए जो कानून था 44 कानून सोचते तोड़ करके 4 कोड में कर दिया, जिस कारण मजदूर आज त्राहिमाम में है। न्यूनतम मजदूरी बढ़नी चाहिए, वहाँ घटाई जा रही है, और काम का घंटा 8 था जो से 12 करने की तारीख चल रही है। साथियों, उतना ही नहीं, मेरे समाज में जो अन्नदाता हमारे हैं, जिनके द्वारा उपजाया गया फसल, चाहे वह 5 स्टार में रहने वाले हो चाहे एक साधारण गांव में रहने वाला हो, वही दाना खा करके और हमारे बाल बच्चे आगे बढ़ते हैं। और उन किसान के साथ जो आज 4 महीना हो गया, उनका शुद्ध लेने वाला कोई नहीं, 4 महीना से वो स्ट्राइक पर हैं, और हम इसे क्या कहेंगे? सरकार की मंशा क्या लग रही है? सरकार की मंशा तानाशाह की है, और आम जनता अब तानाशाही नहीं सुनेगी। और इसी के साथ आज आम बुलंदी, आम जनता गांव-गांव से, घर-घर से आज एक ही आवाज है, इनकलाब जिंदाबाद। और साथियों, मैं थोड़ा आपका और 2 मिनट समय लेना चाहता हूँ, जब आपने मेरा माइक लेना चाहे तो। आज जो 4 महीना से जो हमारे किसान धरना पर हैं, स्ट्राइक पर हैं, प्रधानमंत्री को इतना सूझ लेने की आवश्यकता नहीं नजर आई? क्या वह भारतीय नहीं है? और इसका जवाब एक एक जनता पूछना चाहती है आज सरकार से। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और जानकारी दे दूं, आज जो बिहार सरकार विधायकों पर लाठी चार्ज की, वो विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, सत्ता पार्टी का हो या विपक्ष का हो, आम जनता ने चुन करके भेजा है, और एक लाठी अगर किसी विधायक पर लगा तो आम जनता के कंधे पर लगा है, और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे साथियों, महिला हो या पुरुष, वो आम समाज से भी है, वो जब जीत करके जाते हैं तो मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या यही प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है? जो सरकार में है उसकी तानाशाही चलेगी? विपक्ष का भी होना तो जरूरी है। जो बात आपने रखा, जो आपने कानून में संशोधन करने की कोशिश की, आज सुरक्षा बल के लिए, आप पुलिस बल के लिए आपने आपने डिस्कशन क्यों नहीं किया? आपने डिस्कशन करके क्यों नहीं रखा? किसी कानून किया रोकना, आपने डिस्कशन क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी की राह पे नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं? देखिए मेरे साथियों, ये आम जनता समझ गई है, डबल इंजन की जो ये गाड़ी है ना, ये मिली भगत की गाड़ी है,
और ये मिली भगत गाड़ी जो है वह गाड़ी आम जनता के लिए नहीं है। जहां जाओ पैसा असलो जमा करो और अपनी पार्टी को छवि को मजबूत करो और आम जनता चल जाए भाड़ में। गैस सिलेंडर फ्री दिया गया, ये सपना दिखाया गया जो आम जनता के घर में भी गैस चूल्हा जलेगा। मेरे साथियों, आप तो हमसे ज्यादा सूझ बूझे सब जगह जाते हैं, आम जनता 1000 में गैस सिलेंडर परचेज कर सकता है क्या? फिर तो वही लकड़ी का युग आ गया। तो ये हम गरीब जनता के साथ मजाक नहीं है, ये क्या है? 1000 रुपया में तो परिवार चलता है अभी आज के डेट में गांव में, तो किसी तरह उनके रोजगार है ही नहीं, और 1000 का सिलेंडर भरा लेगा। बाहरे मोदी, ये कहां से चलेगा? डीजल गाड़ी घर पर लगा हुआ है, पेट्रोल डीजल के कारण गाड़ी नहीं चल पा रही है। एक और बेरोजगारी, बोलते थे 2 लाख हम रोजगार देंगे, अरे 2 लाख रोजगार क्या दोगे? करोड़ों करोड़ में रोजगार छीन लिया। लोग आज घर में बैठे हुए हैं और पेट्रोल का दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आपके बगल के नेपाल में जो इतना बड़ा छोटा सा देश है, वहाँ भी आपसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है और सिलेंडर मिल रहा है। उसी तरह मेरा कहना है आपके माध्यम से, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश जी सुशासन कहते हैं, सबसे ज्यादा रेप इसी सुशासन सरकार में हुआ है, सबसे ज्यादा मजदूर का सहनन इसी सरकार में हुआ है, इसी कानून के लेकर के ढुलमुल नीत इसी बिहार में रहा है। तो क्या सुशासन किसको कहते हैं? सुशासन जी बोल देने से सुशासन होता है? मुजफ्फरपुर का कांड साथियों याद होगा, मुजफ्फरपुर में वो लड़की वो बालिका विदेश से आई थी, क्या नीतीश कुमार को होश नहीं? वो किसकी बच्ची थी? गरीब परिवार की बच्ची थी जो आज उस बालिका गृह में थी, उसके साथ रेप, एक एक नहीं मिनिस्टर का मिनिस्टर उसमें शामिल है। क्या हो रहा है? और समय आ गया है साथियों, जात पात धर्म छोड़िए और हर एक मजदूर हर एक जनता रोड पर निकलिए, तभी इसका होश में आएगा। नहीं तो एक एक करके हमको और आपको लड़ाएंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे, सत्ता भोग करेंगे, समझ गए? धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ हर्ष नारायण झा, मैं BSS RU CI2 के यहाँ दरभंगा जिला के सेक्रेटरी हैं। नीतीश कुमार आया, नीतीश कुमार।